बार सदन में भारतीय लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, जहां हम सब के भाग्य का निर्धारण होता है, जिसको संसद भवन कहते हैं, महिला आरक्षण बिल कितनी बार पेश हुआ है? हमको लगता है 11वीं बार में मैंने वो अस्तित्व में आया है, नहीं जी। तो आखिर वो कौन सी बात थी जिसके कारण वो सब उसके पक्ष में बोलता था मगर पास नहीं होता, नहीं? और स्त्री विमर्श पर जो लोग काम करने जाएंगे तो पूरी दुनिया में यह विमर्श पहली बार कैसे शुरू होता है जानना पड़ेगा। पहली बार अमेरिका में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक महिला ने अपनी पति को, जो किसी समिति का सदस्य था, उस प्रसंग में मत देने का अधिकार स्त्रियों को भी दिया जाए, वोटें देने, वोटिंग पावर नहीं था। वहां से ये मसला शुरू होता है और धीरे धीरे इंग्लैंड और यूरोप होते हुए भारत में भी आता है। उसका एक भाव इस पर बहुत लिखा गया है, पहले पढ़ना चाहिए अगर किसी को स्त्री विमर्श पर काम करना है। ये नहीं कि हम उपन्यास पढ़ लिए और भारतीय परिप्रेक्ष्य में केवल उसका ट्रीटमेंट कर दिए, नहीं, क्या क्या आता है स्त्री विमर्श के अंतर्गत ये आपको जानना होगा। अब देखिए कि वो रविभूषण ने उसमें कहा कि मूल कथा में स्त्री को रहने ही नहीं दिया। अब हमको विचार करना है कि प्रेमचंद ने बुधिया के साथ न्याय किया है कि अन्याय किया है, या प्रेमचंद बुधिया के साथ खड़े हैं और तत्कालीन पुरुष समाज बुधिया के साथ अन्याय कर रहा है वो कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? दोनों बातें। उसको सुच कथा में क्यों रखा? सुच कथा समझते हैं? वैसे हम आज पढ़ाएंगे नाटक पर, उसमें आएगा कि सुच कथा क्या है। और दूसरा कहा गर्भस्थ शिशु, कि गर्भ में ही बच्चे अगर ऐसे ही काल कबलित होते रहेंगे तो किसी भी राष्ट्र का भविष्य क्या होगा? पूरा का पूरा राष्ट्र बंजर बंजर बन जाएगा ना। तो इस मानवीय और सामाजिक संवेदना की दृष्टि से भी इस कहानी का ट्रीटमेंट होना चाहिए, केवल आर्थिक पक्षों पर और केवल औद्योगिकीकरण व्यवस्था का जो उपसंहार है या उससे उपजी हुई जो त्रासदी है, केवल उस दृष्टि से इस कहानी का विमर्श करते हैं तो ये पिस्टपेशन होगा। पिस्टपेशन याद रहेगा, सब आटा को फिर से पीसिए, पीसी हुई चीज को पीसना। इसके लिए एक और शब्द है चरवित चरवणा, जैसे ऊंट की सिट्ठी को फिर चबाई तो उसमें रस मिलेगा क्या? तो चबाई हुई चीजों को चबाना। तो जो बातें कही जा चुकी केवल उतना ही कहकर आप अपना काम चला रहे हैं शोध में, तो ये चरवित चरवणा है। और इसी नकल के लिए वो मशीन लगी है जहां आपकी थीसिस की जांच होगी। उन बातों को आप कहिए मगर आपको उस परिप्रेक्ष्य में क्या करना है, क्या छूटा हुआ है, या आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा जाना चाहिए, उन रचनाओं के माध्यम से ये आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है? चूंकि कफन कहानी आपने पढ़ी है इसलिए मैंने बताया। गोदान भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? उसका नायक कौन है? उसका हीरो कौन है? उसका पूरा नाम क्या? तो होरी राम नाम है उसका वास्तविक नाम, मगर वो चौधरी नाम से भी पुकारा जाता है और महतो की भी संज्ञा उसे प्राप्त है। अब प्रेमचंद के कथा साहित्य के पात्रों का अगर पर आप रिसर्च करने चलते हैं तो आपको इस नाम की भी व्याख्या करनी पड़ेगी कि इसका क्या क्या मतलब है। तो होरी राम है, इसका मतलब कि वो हिंदू बिरादरी का है, वो वैष्णव है, नहीं, वो महतो और चौधरी है। तो महतो और चौधरी किसको कहा जाता है? अपनी बिरादरी में आज भी गांव में जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनको इस उपनाम से हम पुकारते हैं, ठीक है? अब इस नाम का औचित्य अगर ये व्याख्या करते हैं तो आपको इसका औचित्य बताना होगा कि
ये कैसे अपने बिरादरी का श्रेष्ठ पुरुष है। तो वो उपन्यास जब शुरू होता है तो पहला ही वाक्य है, धनिया लाठी दे जो ही जाना है। धनिया कहती है कि गोवस पानी करते जा, नहीं तो दिन भर, ठीक है। इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जब आप सुनिएगा या पढ़िएगा तब आपको लगेगा कि ये कितना श्रेष्ठ पानी है। वो कहता है, जबकि इसके हितार्थ कह रही है कि गोरस पानी करते जा, खाते पीते जा, भूखे नहीं जा, दिन भर बेगारी खटाएगा, भूखे रखेगा नहीं। तो कहता है कि जो बात तुम नहीं जानती उसमें टांग क्यों आती है, यह मिलते जुलते रहने का प्रसाद है, नहीं तो इस गांव में बेदखली किसके यहां नहीं आई। अब समझ में आया वो क्यों चौधरी है, वह क्यों मानजन है, क्यों वह महत्व है, ठीक है। तो हम किसी नाम का पर आधारित, किसी रचनाकार के नामकरण पर अगर रिसर्च करने चलते हैं तो हमको उसका समाज शास्त्रीय विश्लेषण भी करना पड़ेगा, उसका साहित्यिक विश्लेषण भी करना पड़ेगा, और भी जिन जिन दृष्टियों से आप कर सकते हैं करना पड़ेगा। ये जिज्ञासा आपको अपने साथ लेकर शोध की दिशा में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इसमें कुछ संगीत के लोग हैं, किसको कहते हैं संगीत, संगीत किसको कहते हैं। कविता में भी शब्द रचना है ना, गद्य में भी शब्द रचना है, या साहित्य की जितनी विधाएं हैं सब शब्द रचना ही है। फिर संगीत की क्या खास बात है उस शब्द रचना की। चुप हो गई कुछ तो बताइए।